Let's discuss difference between fatigue and grip. So first of all, what is fatigue? When a component subject to a fluctuating or repeated load, यानी कि थोड़े interval बाद वही load फिर से लगना. Material tend to develop a characteristic behavior which is different from under steady load. तो जब fluctuating और repeated load लगेंगे हमारे component पर, तो जब उसके बाद जो characteristic पैदा होगी, generate होगी, वो हमारे under steady load जब लग रहे हैं उससे काफ़ी अलग होगी. और फटिक लोड इज अ फिनोमेना विच लीड टू फ्रैक्चर. तो फटिक लोड लगने से थोड़े टाइम के बाद हमारा कंपोनेंट है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा. नाउ फटिक, तो फ्रैक्चर टेक्स प्लेस अंडर रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. ओके, वूज मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अंडर स्टेडी लोड. अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जो हमारे कंपोनेंट है वो अंडर स्टेडी लोड, उसकी जो एक उसकी एक स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई स्ट्रेस जनरेट होंगे, लोड लगेगा उस कंपोनेंट पर, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो यानी कि फ्रैक्चर हो जाएगा. बट ये फ्लक्चुएटिंग और रिपीटेड लोड लगने से उसकी जो वैल्यू होगी, जो अभी फ्लक्चुएटिंग और रिपीटेड लोड लग रही है उसकी वैल्यू अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से काफ़ी कम हो, फिर भी उस कंपोनेंट पर ऐसे फोर्स लगने से वो जो कंपोनेंट है वो फ्रैक्चर हो जाएगा. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम फोर्स या लोड लगेगा कंपोनेंट पर, फिर भी वो फ्रैक्चर हो जाएगा. ये है हमारे फटिक का फिनोमिना. नाउ फटिक फ्रैक्चर इज प्रोग्रेसिव बिगिनिंग एज अ माइन्यूट क्रैक. पहले थोड़ा थोड़ा क्रैक दिखेगा, एट दैट ग्रो अंडर द एक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. एंड फिर ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की वजह से वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा और हमारा कंपोनेंट फेल होता जाएगा. नाउ द टर्म फटिक इज used because this type of failure normally occurs after a lengthy period of repeated stresses or straining cycle. क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे ही फोर्स, एक ही फोर्स बारी बारी से थोड़े थोड़े इंटरवल पर लगेगा, तो वो लेंदी पीरियड होगा ये, और उसके बाद हमारा कंपोनेंट है वो फेल होगा, तो इसीलिए इसे फटिक कहा जाता है. नाउ ये है रोटेटिंग बीम फटिक टेस्टिंग मशीन. तो फटिक कैसे होगा, कितने टाइम के बाद होगा, ये टेस्ट करने के लिए मशीन है. जनरली इसका एक प्रिंसिपल है, जैसे कि ये हमारा पूरा स्पेसिमेन है, वो भी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, इसको हम मोटर के साथ कनेक्ट कर इसे हम रोटेट करते हैं. यहाँ पर एक काउंटर यानी कि एक डेड वेट रखा गया है, डेड वेट रखा गया है, जिससे क्या होगा, ये कंसिडर कर लो, ये स्पेसिमेन है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है. नाउ जब ये डेड वेट यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है, टेंशन, और उसी तरह से नीचे कंप्रेशन जनरेट हो रहा है. पर जब हम हमारे मोटर की वजह से हम शाफ्ट को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, जो ये हमारा ए पॉइंट था वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे पॉइंट था वो बी वाला वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर बी आ जाएगा, यानी ए बी इन्वर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पर जो यहाँ पर फोर्स टेंशन था और कंप्रेशन था वो उल्टे हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा वो टेंशन हो जाएगा, नीचे कंप्रेशन, ए बी पॉइंट ऐसे ही फ्लक्चुएट करते रहेंगे, जैसे ही हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से हमारी शाफ्ट को घुमाएंगे. तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, कभी टेंशन है, कभी कंप्रेशन तो है, कभी टेंशन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन काउंटर है, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन के बाद हमें फटिक यानी कि फ्रैक्चर देखना शुरू हो गया है. तो इस प्रकार से फटिक टेस्ट की जाती है. नाउ तो क्रिप क्या है, तो व्हाट इज़ क्रिप, क्रिप इज़ द टाइम डिपेंडेंट, याद रखना ये टर्म याद रखने की बड़ी ज़रूरत है, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट अकर्स अंडर स्ट्रेसेस फॉर मोस्ट मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर. ये बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है, क्रिप इज़ द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट अकर्स अंडर स्ट्रेसेस फॉर मोस्ट मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से अपर टेम्परेचर ले जाए और जब उस पर स्ट्रेस लगेंगे तब और परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा हमारे कंपोनेंट का, तो उस टर्म को क्रिप कहते हैं. तो थोड़े डिटेल में देखते हैं. नाउ मटेरियल आर ऑफन प्लेस इन अ सर्विस एट अ रूम टेम्परेचर एंड एक्सपोज टू स्टैटिक मैकेनिकल स्ट्रेसेस. तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं. यहाँ पर एक टर्बाइन रोटर इन अ जेट मशीन में टर्बाइन रोटर होता है. टर्बाइन रोटर पर हम हमारे स्टीम को वहाँ पर इम्पिंच कराते हैं, उसे वहाँ पर फेंकते हैं. एंड स्टीम जनरेटर स्टेट दैट एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस एंड हाई प्रेशर स्ट्रीम लाइन. तो उसकी वजह से
वहाँ उस टर्बाइन ब्लेड पर क्रीप, यानी कि क्रीप ये टर्म का एक पैदा होता है, स्ट्रेसेस लगने की वजह से क्रीप होने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है हमारे कंपोनेंट का, डिफॉर्मेशन अंडर सच या सर्कमटेंसेस टर्म्स जैसे के। तो इस प्रकार से सर्कमटेंसेस यानी कि परिस्थिति में से डिफॉर्म जो होगा हमारे कंपोनेंट का उसे क्रीप कहेंगे। नाउ डिफाइंड एज अ टाइम डिपेंडेंट एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल व्हेन सब्जेक्ट टू अ कॉन्स्टेंट लोड और स्ट्रेसेस, हमारे कंपोनेंट पर कॉन्स्टेंट लोड एंड स्ट्रेसेस लगेंगे इस पूरी सर्कमटेंसेस पर, इस कंडीशन पर, तो उसे हम क्रीप कहेंगे। जबकि वहाँ पर फटिक में क्या था, वहाँ पर जो लोड था वो स्टैटिक नहीं था, फ्लक्चुएटिंग था एंड रिपीटेड और रिपीटेड था, यहाँ पर स्टैटिक लोड है, याद रखना। नाउ क्रीप इज जनरली अनडिजायरेबल यस फिनोमिना दैट इज ऑफन लिमिटिंग फैक्टर इन लाइफ टाइम ऑफ पार्ट, क्योंकि ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, क्रीप होने से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है कंपोनेंट का वो सारा चेंज हो जाएगा, तो काफ़ी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद हमारा जो कंपोनेंट है वो कुछ काम का नहीं रहेगा। फॉर मेटल क्रीप ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.4 टीएम, टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट और मटीरियल, सॉरी पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटीरियल, तो 0.4 इंटू टीएम। तो इस प्रकार से जो हमें टेम्परेचर मिलेगा उस टेम्परेचर पर ही हमें क्रीप मिलेगा, जैसे कि जो लीड है जो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो वो काफ़ी रूम टेम्परेचर से नीचे तक उसका जो है वो क्रीप जनरेट होगा उसमें। नाउ व्हेन अ मटेरियल सब्जेक्ट टू अ क्रीप द मटेरियल कंटिन्यूस टू डिफॉर्म अंटिल इट्स यूजफुलनेस इज सीरियसली इम्पेयर्ड, तो क्रीप जब एक बार सब जनरेट होगा तो वो कंटिन्यू डिफॉर्म होता जाएगा और अंत में वो कुछ काम का नहीं रहेगा तब तक वो क्रीप होता रहेगा। नाउ ओवर लाइफ टाइम अ स्ट्रक्चर क्रीप में ग्रो लार्ज एंड इवन रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर विदाउट इन इंक्रीजिंग एनी लोड, तो क्रीप पूरे स्ट्रक्चर है हमारा वो क्रीप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उसके जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो होने लगा गया हमारे कंपोनेंट पर एंड थोड़े टाइम बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा विदाउट एन इंक्रीजिंग एनी लोड, कुछ लोड अगर हम बढ़ाएंगे नहीं फिर भी वो हमारा जो कंपोनेंट है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते होते फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दो यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है क्रिप के बारे में, है कि वो एलिवेटेड टेम्परेचर पर ही होता है, वहाँ पर स्टैटिक लोड अप्लाइड होते हैं, जबकि फटिक में देखा जाए तो फटिक में क्या होगा व्हेन ए कंपोनेंट सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग एंड रिपीटेड लोड, जैसे कि टेंशन ऑन कंप्रेशन था तो एक ही कंपोनेंट पर थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल के बाद एक ही जैसा फोर्स लगे जिसकी वजह से वो थोड़े अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के पहले ही उस वाले स्ट्रेस में ही वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए, इसे कहेंगे फटिक।